हाय एवरीवन, मैं नवनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी का चटपटा और टेस्टी सा नाश्ता जो बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए बाउल में हम लेंगे 1 कप सूजी और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप खट्टा दही, 1 टेस्पून नमक और 1/2 कप पानी डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर दही ज्यादा खट्टी नहीं है तो आप ये 1 कप करके भी डाल सकते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे और तब तक हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे गरम करेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो इसमें 1/2 टीस्पून राई डालकर इसे क्रैकल होने देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे भी क्रैकल होने देंगे। इसके बाद 2 पिंच हींग डालेंगे और इसे भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी बारीक कटी हुई अदरक, 2 कटी हुई हरी मिर्ची और 5 से 7 पीस करी लीफ डालकर इन्हें भी आधे मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 कप मटर डालकर इन सभी को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे हल्दी का कच्चापन भी निकल जाएगा और मटर भी फ्राई हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर लिए हैं, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 टेस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और साथ ही में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। तो ये आलू का मसाला हमारा रेडी हो गया है और अब इडली को स्टीम करने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसके सेंटर में एक वायरिंग रखेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। अब इडली को स्टीम करने के लिए छोटे साइज की कटोरिया लेंगे और इसमें थोड़ा ऑयल लगाकर इन सभी को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे इडली को डीमोल्ड करने में आसानी होगी। और अब बैटर को रखे हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं तो सूजी ने काफी पानी एब्सॉर्ब कर लिया है जिसकी वजह से ये थोड़ा थिक हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और बैटर को हमें इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है, ना ही बहुत ज्यादा पतला और ना ही बहुत ज्यादा थिक। इडली फुली फुली और सॉफ्ट बने इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इनो। इनो को एक्टिव करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। आप इनो की जगह 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा भी ले सकते हैं। अब तैयार किए हुए बैटर को कटोरियों में पोर करेंगे तो इसे हमें 1/2 से भी थोड़ा कम ही फिल करना है क्योंकि इसके लिए इडली हमें बहुत मोटे साइज की नहीं बनानी है। अब सभी कटोरियों को हिलाकर बैटर को लेवल करेंगे और पानी भी गर्म हो चुका है तो सभी कटोरियों को कढ़ाई के सेंटर में रखेंगे और इन्हें ढककर मीडियम हीट पर 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने देंगे। इडली को स्टीम होते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और अब इसे चाकू या फिर टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे। ये स्टिक एकदम क्लीन है, इट मीन्स इडली बहुत अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अब इन सभी कटोरियों को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। कटोरिया जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इडली को डीमोल्ड करेंगे। तो पहले इसके किनारे चाकू की हेल्प से लूज करेंगे और उसके बाद उसे उल्टा करके डीमोल्ड करेंगे। अगर आप गर्म इडली को डीमोल्ड करते हैं तो ये टूट सकती है, तो ये बहुत ही अच्छी और एकदम स्पॉन्जी बनी है। तो सेम वैसे बाकी सभी इडली को भी डीमोल्ड कर लेंगे। अब क्योंकि हम इसका बर्गर बनाएंगे तो एक इडली लेंगे और इसे सेंटर से कट कर लेंगे, जैसे हम बर्गर बनाने के लिए बन को कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। सेम वे से बाकी सभी इडली को भी सेंटर से कट करेंगे। और अब हम बर्गर बनाएंगे तो एक इडली लेंगे और इसके सेंटर में आलू का मसाला रखेंगे और इसे फैलाते हुए इसकी एक मोटी सी लेयर बनाएंगे। आप मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बर्गर रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने कुछ और बर्गर भी रेडी कर लिए हैं और अब हम इन्हें टोस्ट करेंगे। तो इसके लिए पैन में ऑयल लेंगे और इसे गर्म करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ी राई डालकर इसे क्रैकल होने देंगे और इसके बाद इसे पैन में सब तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें बर्गर रखेंगे और इसे लो मीडियम हीट पर गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट करेंगे। तो आप ये 2 से 3 बर्गर एक साथ में टोस्ट कर सकते हैं। जब ये नीचे की तरफ से सिक जाएगा तो इन दोनों को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब ये नीचे की तरफ से भी अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे। अब बर्गर को कट करके देखेंगे तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम स्पॉन्जी और चटपटे बनते हैं। ये कम ऑयल में बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो लीजिए, हमारा आलू सूजी बर्गर या फिर साउथ इंडियन बर्गर बनकर तैयार है। इन्हें आप केचप या फिर कोई भी साउथ इंडियन चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस सिंपल और टेस्टी सी रेसिपी को ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।